हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करेंगे ओपन कोर्स, जो हर बिगिनर को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ सी मेजर कॉर्ड। तो इसका फिंगर पोजीशन क्या होगा? इसका फिंगर पोजीशन होगा 5-3, फिफ्थ स्ट्रिंग ऑन थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट ऑन मिडिल फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट इंडेक्स फिंगर, थर्ड और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले होगा। देन इसके बाद अपना इंडेक्स फिंगर जस्ट रिमूव कर देने से ही ये हो जाए सी मेजर 7th। सिक्स स्ट्रिंग पॉज रहेगा सी मेजर में भी, सी मेजर 7th में भी। एंड देन उसके बाद फिर से सी मेजर कॉर्ड होल्ड करना है। एंड देन अपना जो पिंकी फिंगर है वो सिर्फ थर्ड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में ऐड करना है। ये हो गया डोमिनेंट 7th, सी डोमिनेंट 7th। फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले नहीं होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग पॉज जाएगा। नेक्स्ट डी माइनर। डी माइनर का फिंगर पोजीशन होगा फोर्थ ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट मिडिल फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट होगा इंडेक्स फिंगर। इसमें सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग पॉज जाएगा। ये मैं पॉज करता हूं ऐसे थंब से पॉज करता हूं। एंड देन डी माइनर 7th। डी माइनर 7th क्या करना होगा? मिडिल फिंगर रहेगा यहां पर थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट में, सिर्फ इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फ्रेट में सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रिंग को पार करना है और फोर्थ से फर्स्ट स्ट्रिंग तक प्ले करना है। ये हो गया डी माइनर 7th। दिस इज अ डी मेजर कॉर्ड। तो इसका फिंगर पोजीशन क्या होगा? फोर ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले होगा, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट इंडेक्स फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर और फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट रहेगा मिडिल फिंगर। इसमें भी सेम सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग पॉज। एंड देन इसके बाद डी मेजर 7th। ये हो गया डी मेजर 7th। डी मेजर 7th पकड़ना बहुत ही इजी है, बस इंडेक्स फिंगर से सेकेंड फ्रेट में थर्ड सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रिंग को पार करना है और फोर्थ से वन तक प्ले करना है। ये दोनों स्ट्रिंग पॉज आएगा, सिक्स एंड फिफ्थ पॉज, डी मेजर 7th। ओके। एंड देन हम लोग जैसे डी पकड़ रहे हैं ना, जो डी देखा, बस इसका ऑपोजिट होगा डी डोमिनेंट 7th। डी डोमिनेंट 7th का फिंगर पोजीशन क्या होगा? 4-0-3-2, थर्ड स्ट्रिंग और सेकेंड फ्रेट मिडिल फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग ऑन फर्स्ट फ्रेट इंडेक्स फिंगर एंड देन फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट रिंग फिंगर, सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग पॉज। ओके, नेक्स्ट डी सस 2। डी सस 2 कैसे होल्ड करना है? 4-0, थर्ड ऑन सेकेंड इंडेक्स फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग ऑन थर्ड फ्रेट मिडिल फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर एंड देन ये ओपन प्ले होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले होगा। इसमें भी सेम सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग पॉज जाएगा। एंड डी सस 2 से सिर्फ अपना पिंकी फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में ऐड करना है। डी सस 4 ई माइनर कॉर्ड। ये बिगिनर का सबसे फेवरेट कॉर्ड है क्योंकि बहुत इजी रहता है ये होल्ड करने में। तो ई माइनर का फिंगर पोजीशन क्या होगा? फिफ्थ ऑन सेकेंड फ्रेट मिडिल फिंगर, फोर्थ ऑन सेकेंड फ्रेट रिंग फिंगर, ऑल स्ट्रिंग प्ले होगा इसमें। एंड देन इसमें सिर्फ अपना जो पिंकी फिंगर है उसको ऐड कर देना है सेकेंड स्ट्रिंग ऑन थर्ड फ्रेट पर, क्योंकि ई माइनर 7th। एंड देन नेक्स्ट ई सस 2। फिंगर पोजीशन होगा सिक्स्थ ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट इंडेक्स फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट मिडिल फिंगर,
थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पिंकी फिंगर ऑल स्ट्रिंग प्ले होगा। ई माइनर और ई मेजर बहुत इजी है, ई मेजर भी। तो ई माइनर जैसे मैंने बोला था भूल कर नहीं है, बस अपना जो इंडेक्स फिंगर है ना उसको सिर्फ थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रखना है, ये हो गया ई मेजर। और नेक्स्ट ई डोमिनेंट सेवन, इसको क्या करना है सेकेंड स्ट्रिंग ऑन थर्ड फ्रेट पर पिंकी फिंगर देना है ई डोमिनेंट सेवन। ई डोमिनेंट सेवन का और एक भी शेप होता है, वो है कि ई मेजर होल्ड जैसे कर रहे हो बस इसमें से अपना रिंग फिंगर रिलीज कर देना है, ये भी हो गया ई डोमिनेंट सेवन ई मेजर सेवन। सिक्सटीन ओपन प्ले होगा एंड देन फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट में रहेगा रिंग फिंगर, और फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में रहेगा इंडेक्स फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में रहेगा मिडिल फिंगर ई मेजर सेवन। एफ मेजर सेवन, क्योंकि एफ में बार करना पड़ता है, ये होता है बार एंड देन ये होगा फुल बार, ये एफ मेजर सेवन इसी ओपन पोजीशन में आता है, तो ये मैंने भी कवर कर लिया। तो एफ मेजर सेवन का जो फिंगर पोजीशन होगा वो होगा फोर्थ स्ट्रिंग ऑन थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट मिडिल फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट इंडेक्स फिंगर, और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले होगा और सिक्स्थ एंड फिफ्थ पॉज जी मेजर। जी मेजर का फिंगर पोजिशन होगा सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट मिडिल फिंगर, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट इंडेक्स फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पिंकी फिंगर। और इसमें तुम लोग चाहे तो फिर पिंकी को रिलीज करके ऐसे भी बोल कर सकते हो, सिर्फ अपना रिंग फिंगर जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट में देना है। जी द नेक्स्ट जी मेजर सेवन, तो इसका फिंगर पोजिशन क्या है सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट मिडिल फिंगर एंड देन फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट इंडेक्स फिंगर जी मेजर सेवन। और उसके बाद इंडेक्स फिंगर को एक स्टेप सामने लेके जाना है, वो होगा फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग के, ये हो गया जी डोमिनेंट सेवन। दिस इज ए माइनर, ए माइनर का फिंगर पोजीशन है फिफ्थ ओपन फोर टू मिडिल फिंगर, थर्ड सेकेंड फ्रेट रिंग फिंगर एंड सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट इंडेक्स फिंगर। इसमें सिक्स स्ट्रिंग पॉज आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या करना होगा, अपना रिंग फिंगर को रिलीज कर देना है, ये हो गया ए माइनर सेवन एंड देन अपना इंडेक्स फिंगर रिलीज करके रिंग फिंगर को थर्ड और सेकेंड फ्रेट पे रखना है ए सस टू। नेक्स्ट पिंकी फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में होल्ड करना है ए सस फोर, सस का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड कॉर्ड। नेक्स्ट ए मेजर, ए मेजर का फिंगर पोजिशन है 5-0 4 2 3 2 एंड 2 2 फिंगर रहेगा मिडिल रिंग एंड पिंकी। आप तुम लोग चाहो तो फिर इंडेक्स मिडिल और रिंग भी कर सकते हो ऐसे। दिस इज ए मेजर सेवन कॉर्ड, इसका फिंगर पोजिशन क्या होगा 5-0 4 2 फिंगर रहेगा मिडिल फिंगर, थर्ड ऑन फर्स्ट फ्रेट इंडेक्स फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट रहेगा रिंग फिंगर ए मेजर सेवन एंड देन इसके बाद अपना इंडेक्स फिंगर रिलीज कर देना है
हो गया, ए डोमिनेंट सेवन।